हेलो स्टूडेंट्स, अपना गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है लोकेंद्र सिंह राजावत और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे क्लास 9th स्प्रिंट बैच का पॉलीनोमियल चैप्टर का लेक्चर नंबर 1। लेक्चर नंबर 1 में हम बेसिक डेफिनेशंस को कवर करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम जो पॉलीनोमियल पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले तो इसका मीनिंग जानने की कोशिश करते हैं कि पॉलीनोमियल्स का मीनिंग क्या होता है। तो पॉलीनोमियल्स क्या है, बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक पॉली जिसका मतलब होता है मीनिंग और एक है नोमियल्स जिसका मतलब होता है टर्म्स। यानी हम कुछ ऐसी चीज़ पढ़ने वाले हैं जिसमें बहुत सारे टर्म्स होंगे, मेनी टर्म्स होंगे। अब वो क्या होगा, हम एक बार फिर से पॉलीनोमियल के ऊपर आएंगे। इस लेक्चर का हमारा जो लास्ट टॉपिक होगा वो यही होगा कि पॉलीनोमियल की प्रॉपर डेफिनेशन समझे। तो देखिए, इसको हम आगे वापस से पॉलीनोमियल्स की डेफिनेशन समझेंगे तब वापस से देखेंगे। इससे पहले हम लोगों को बेसिक जो छोटे छोटे टर्म्स हैं उनकी डेफिनेशंस को समझना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने कभी ना कभी पहले भी पढ़ा होगा 6th, 7th, 8th क्लास में। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर आप लोगों को 6th लेवल से ही पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ, ये समझ लीजिए। तो देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक है वह है कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं और सेकेंड टॉपिक है वेरिएबल्स क्या होते हैं। अब इनको कैसे समझे हम लोग, तो मैं यहां आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं। तो देखिए, ये मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, ये शेप रेक्टेंगुलर शेप है। आप लोगों को जो मोबाइल की स्क्रीन दिख रही होगी, क्या वो भी रेक्टेंगुलर शेप है? आप लोग नोटिस करोगे कि वो भी रेक्टेंगुलर शेप में दिख रही है। आप जिस पेपर पे लिख रहे हो वो पेपर, उसकी जो शेप है वो भी क्या है, रेक्टेंगुलर शेप है। इसके अलावा आपका जो दरवाज़ा है, गेट है घर में, वो भी क्या है, रेक्टेंगुलर शेप का मिलेगा। आपका जो टेलीविज़न है, LED वगैरह है, वो भी आप लोगों को किसकी शेप में मिलेगी, रेक्टेंगुलर शेप में मिलेगी। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। ये रेक्टेंगल की लेंथ कहलाती है और ये रेक्टेंगल की ब्रेड्थ कहलाती है, ब्रेड्थ, ठीक है। अब ध्यान से समझना, अभी मैंने जो सभी एग्जांपल्स आप लोगों को बताए, क्या सबकी लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल है क्या? आप लोग देखोगे कि जो मोबाइल फोन की स्क्रीन है उसकी लेंथ ब्रेड्थ अलग होगी, जो टेलीविजन होगा उसकी लेंथ और ब्रेड्थ अलग होगी, दरवाजे की लेंथ और ब्रेड्थ अलग मिलेगी आप लोगों को। इसके अलावा जो आपका पेपर है जिसपे आप लोग लिख रहे हो उसकी लेंथ और ब्रेड्थ अलग मिलेगी। यानी यहाँ क्या हो रहा है, हर सिचुएशन में लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू वेरी कर रही है, यानी चेंज हो रही है, यही हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, इसकी जो वैल्यू है वह क्या हो रही है, चेंज हो रही है, बदल रही है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू जो भी फिगर होगा उसके अकॉर्डिंग बदल रही है। आई होप आप लोगों को इसका मीनिंग समझ में आया होगा। अब अगर मान लो हम क्या करें, मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन को फिक्स कर दें कि हमारा जो भी मोबाइल फ़ोन का मॉडल है वही मॉडल रखना है, उस दूसरा मोबाइल भी नहीं लेना, कोई दूसरा मॉडल भी नहीं लेना, उस मोबाइल को अगर हम पिक करें तो उसकी लेंथ और ब्रेड्थ क्या होगी, फिक्स रहेगी। वो जैसे आज आपने देखी, आज जितनी लेंथ और ब्रेड्थ है, कल भी क्या होगी, उसकी लेंथ और ब्रेड्थ क्या होगी, सेम होगी। मतलब अगर हम केवल एक मोबाइल को देखें और उसी मॉडल को देखना है हमारे को, अदर मॉडल से के साथ कंपेयर नहीं करना है, तो वहाँ पे लेंथ और विड्थ क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। मतलब कुछ सिचुएशंस ऐसी है जहाँ पे लेंथ और विड्थ फिक्स हो गई, कुछ सिचुएशंस ऐसी है जहाँ पे लेंथ और विड्थ क्या की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। उसी के बेसिस पे हम लोगों को इन दोनों टॉपिक्स को समझना। तो कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट आर द बेसिक सिम्बल्स, कुछ ऐसे सिम्बल्स होते हैं जिनकी जो वैल्यू होती है वो वैल्यू क्या रहती है, अनचेंज रहती है। अनचेंज का मतलब फिक्स रहती है, कभी बदलती नहीं है, एनी सिचुएशन में हमेशा वही रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, कहीं पे मैंने -2 लिख दिया किसी क्वेश्चन में, तो जब तक क्वेश्चन चलेगा वहाँ पे -2 ही रहेगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि वो -2 किसी अदर नंबर के साथ कंबाइंड होके एड या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन -2 की वैल्यू बदलेगी नहीं। -2 की जगह हम लोग 3 या -3 ऐसे रिप्लेस नहीं कर सकते, -2 की वैल्यू फिक्स है, -2 ही रहेगी। इसके अलावा जैसे मैंने 3 लिख दिया, 2 by -2/3 लिख दिया है, 5/3 लिख दिया, या फिर इवन पाई, इसको क्या पढ़ते हैं, पाई, पाई की भी वैल्यू फिक्स है, कितनी है, 3.14 चलती रहती है, ये भी वैल्यू फिक्स है, ये वेरी नहीं करेगी, बदलेगी नहीं। तो ये वो बेसिक सिंबल्स है एक्सेट्रा जिनकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है, अनचेंज रहती है, यानी कि फिक्स रहती है। ऐसे सिंबल्स को हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं। आई होप आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम बात करें वेरिएबल्स की, या लिटरल्स भी बोला जाता है इनको। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, जस्ट इसके ओपोजिट, ऐसे कुछ सिंबल्स होंगे ये,
जिनकी वैल्यू क्या होती है, चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अब इसको कैसे समझे, अभी मैंने एग्जांपल बताया, तो यहां पे लेंथ और ब्रेड्थ क्या है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू फिगर, जिस भी फिगर को हम ले रहे हैं, टेलीविजन, मोबाइल फोन स्क्रीन या फिर कागज का पेपर हो गया, वो सारे केसेस में क्या हो रही है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वेरी कर रही है, बदल रही है। तो यहां पे वेरिएबल्स का मतलब है जिसकी वैल्यू वेरी करती है, चेंज होती है या फिर हम बोल सकते हैं वेरी करती है। तो जिसकी भी वैल्यू वेरी करती है, बदलती है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं। अब जैसे हम लोग क्या करेंगे, लेंथ को बार बार लेंथ नहीं बोल के इसको मैं किसी सिंबल से डिनोट कर देता हूँ, लेट से एल, और ब्रेथ को मैं एक सिंबल बी से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे एल और बी जो है ना, इनकी वैल्यू क्या हो रही है, हर सिचुएशन में क्या हो रही है, बदल रही है। हो सकता है जैसे कि आप लोगों की जो मोबाइल फोन स्क्रीन है उसकी जो लेंथ ब्रेथ वगैरह होगी, जैसे 7 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर हो गई, ऐसे हो गई। इसके अलावा आपका जो टेलीविजन है उसका हो सकता है वो इंचेस में हो, जैसे 36 इंच का टेलीविजन हो गया, और क्या बोलते हैं, विड्थ उसकी कुछ अलग होगी, तो वो अलग वो हो गया डायमेंशन। दरवाजे की अगर देखोगे आप लोग, तो दरवाजे में क्या होगा, उसकी लेंथ और विड्थ अलग होगी, यानी कि वेरी कर रही है। कुल मिला के बात कहने का मतलब ये है। और इनको हम क्या करते हैं, जो वेरिएबल्स होते हैं उनको जनरली जो मैथमेटिक्स होती है, मैथमेटिकल साइंस से रिप्रेजेंट नहीं करके हम क्या करते हैं, इनको इंग्लिश के अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए यहाँ फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया एक्स वाई जेड ए बी सी टी, इस तरीके से कुछ लैटिन सिंबल्स भी होते हैं या फिर ग्रीक सिंबल्स भी होते हैं, उनसे भी डिनोट किया जाता है। लेट्स से जैसे ऐसा सिंबल लिख दिया, इसको अल्फा पढ़ा जाता है, एक ऐसा सिंबल लिख दिया जिसको बीटा पढ़ा जाता है, तो ऐसे एक ऐसा सिंबल होता है जिसको थीटा पढ़ा जाता है। तो कुछ ऐसे सिंबल्स भी होते हैं जिनसे भी हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इनकी वैल्यू वेरी करेगी। जैसे हम बात करें एक्स की, तो हो सकता है किसी सिचुएशन में एक्स की वैल्यू 1 हो जाए, हो सकता है 2 हो जाए, या -3 हो जाए, या 1/2 हो जाए, तो ये वेरी करेगी, हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसाइड होगी। यानी कि फिक्स नहीं कर सकते हम लोग कि एक्स की वैल्यू इतनी ही होगी, एक्स की वैल्यू सिचुएशन के अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकती है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब एक छोटा सा नोट है, वो नोट भी हमारे को याद रखना हमेशा। कई बार क्या होता है, कुछ कॉन्स्टेंट्स जो यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट है उनको भी हम क्या कर देते हैं, सिंबल से डिनोट कर देते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल बताऊँ आप लोगों को, कि जैसे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम क्या होता है, ऐसी जगह जहां हवा भी नहीं होती है, मतलब कुछ भी नहीं होगा, कोई भी डस्ट पार्टिकल भी नहीं होगा, कोई हवा भी नहीं होगी, ऐसी जगह पे जो लाइट होती है उसकी स्पीड होती है, वो होती है 3×10^8 मीटर पर सेकेंड। यानी ऐसा बोल सकते हो 30 करोड़ मीटर चलती है एक सेकेंड के अंदर लाइट, या लाख के अंदर कन्वर्ट करोगे तो 3 लाख किलोमीटर चलती है एक सेकेंड के अंदर लाइट, कहाँ पे, वैक्यूम के अंदर। तो ये बार बार स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम नहीं बोल के इसको एक सिंबल होता है स्मॉल सी, उससे डिनोट कर दिया जाता है। अब ध्यान रखना, अगर कुछ भी नहीं बोलता है, ओनली सी बोलता है, तो आप लोगों को उसको क्या समझना है, वेरिएबल समझना है। लेकिन अगर बोलता है कि सी एक क्या है, स्पीड ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे सी एक कॉन्स्टेंट है, ये फिक्स होती है, इतनी ही रहेगी वैक्यूम के अंदर स्पीड। तो उस वाले केस में क्या होगा, सी एक कॉन्स्टेंट के तरीके से यूज में होगा। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ऐसे और भी बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, ये मैंने एक बता दिया है आप लोगों को। तो ये यहाँ एक कॉन्स्टेंट है, ना कि वेरिएबल है, ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि ये इसकी जगह पे रिप्रेजेंट किया, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं हमारा कॉन्स्टेंट्स क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, खत्म हो गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एलजेब्रा। अब एलजेब्रा को कैसे समझे, इसको समझने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा हमारी 9th की जो मैथमेटिक्स है ना, इसको मैं थोड़ा सा ब्रेक डाउन करता हूँ कि मैथमेटिक्स में हम क्या क्या पढ़ रहे हैं। देखो, जैसे हमारे को डेटा की स्टडी करनी है, डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन वगैरह के बारे में पढ़ना है, तो हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, स्टेटिस्टिक्स। आप लोगों का 14 चैप्टर होने वाला है, उसके अंदर हम डेटा की स्टडी करेंगे। उसके बाद में अगर आप लोगों को अनसर्टेनिटी के बारे में पढ़ना है, अनसर्टेनिटी का मतलब होता है आप लोगों को पता नहीं काम होगा या नहीं होगा, सिक्के को उछालना, डाइस को थ्रो करना, जो प्ले कार्ड्स होते हैं उसमें से एक पत्ता निकालना, ठीक है, एक प्ले कार्ड निकालना, ये जो सिचुएशंस है ये सारी अनसर्टेनिटी के अंदर में आती है। इसको हम कहाँ डिस्कस करेंगे, प्रोबेबिलिटी में, प्रोबेबिलिटी।
उसी तरीके से अगर हमें फिगर्स वगैरह के बारे में पढ़ना है, ठीक है, फिगर्स के बारे में पढ़ना है, डायग्राम्स के बारे में पढ़ना है, तो उसको हम कहाँ स्टडी करते हैं, ज्योमेट्री में। तो ज्योमेट्री के हमारे 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th तक के चैप्टर्स किसके होने वाले, ज्योमेट्री के होने वाले। उसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं जिसमें हम एरिया के बारे में पढ़ते हैं, पेरीमीटर के बारे में पढ़ते हैं, वॉल्यूम के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम किस ब्रांच में पढ़ते हैं, मेंसुरेशन। इस ब्रांच को क्या बोला जाता है, मेंसुरेशन। उसी तरीके से अगर हमारे को वेरिएबल्स की स्टडी करनी है और कॉन्स्टेंट्स की स्टडी करनी है तो उस ब्रांच को क्या बोला जाता है, एलजेब्रा बोला जाता है। तो देखो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच है। अगर हमारे को डेटा की स्टडी करनी है तो हम किस ब्रांच में पढ़ते हैं, स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं। अनसर्टेनिटी के बारे में पढ़ना है तो प्रोबेबिलिटी वाली ब्रांच में पढ़ते हैं। फिगर्स डायग्राम्स के बारे में पढ़ते हैं तो ज्योमेट्री में पढ़ते हैं। इसके अलावा एरिया, पेरीमीटर, वॉल्यूम के बारे में पढ़ते हैं तो मेंसुरेशन में पढ़ते हैं। उसी तरीके से अगर हमारे को वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स की स्टडी करनी है तो हम कहाँ करते हैं, एलजेब्रा में। तो एलजेब्रा की डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं, इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, या शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स। आई होप आप लोगों को इसका मीनिंग समझ में आ गया होगा। यानी कि अभी हम क्या कर रहे हैं, कॉन्स्टेंट्स वेरिएबल्स क्या होते हैं, इनके ऊपर कैसे ऑपरेशंस किए जाते हैं, कैसे एड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, पॉलीनोमियल्स, इन सब में हम वेरिएबल कॉन्स्टेंट्स को पढ़ने वाले हैं। तो वेरिएबल कॉन्स्टेंट्स को जहाँ स्टडी करते हैं हम उस ब्रांच को क्या बोलते हैं, एलजेब्रा। यानी हम बोल सकते हैं कि अभी हम जो ब्रांच पढ़ रहे हैं वो कौन सी ब्रांच पढ़ रहे हैं, एलजेब्रा पढ़ रहे हैं। आई होप आप लोगों को इसका मीनिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसी से एक टर्म निकल के आया है, वो है एलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अब एक्सप्रेशन का मतलब होता है जो भी चीज़ आप लोगों को लिखी हुई दिखेगी ना, वो चीज़ क्या है, एक्सप्रेशन है। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल यहाँ बोलूँ 2+3 / 4 - 5, तो ये जो लिखा हुआ है ना, ये एक एक्सप्रेशन है। लेकिन हम कौन सा एक्सप्रेशन पढ़ रहे हैं, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एलजेब्रिक का मतलब क्या है, यानी कुछ ऐसी चीज़ पढ़ रहे हैं जिसमें वेरिएबल्स भी दिखेगा और कॉन्स्टेंट्स भी दिखेगा, क्योंकि एलजेब्रा का मतलब यही है ना, स्टडी ऑफ वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट। तो मतलब हम लोग एक ऐसा एक्सप्रेशन पढ़ेंगे जिसके अंदर वेरिएबल्स भी होंगे, कॉन्स्टेंट्स भी होंगे। तो हम इसको देखो, पहले डेफिनेशन लिखते हैं फिर समझते हैं। तो देखो एलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स एंड फंडामेंटल मैथमेटिकल, अभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा वापस से, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, एक एग्जांपल भी लिखता हूं देखो। देखो ध्यान से समझना मैंने क्या लिखा है, कि कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स एंड फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स किसको बोलते हैं, ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड होते हैं, इनको बोला जाता है फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, जो मैथ में यूज होते हैं जनरली, नॉर्मली जब भी हमारे को करना होता है सबसे ज़्यादा इन्हीं को यूज करते हैं। और भी बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं लेकिन जो फंडामेंटल ऑपरेटर्स है वो क्या है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। इन सबका जो कॉम्बिनेशन होगा उस कॉम्बिनेशन को ही क्या बोला जाता है, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोला जाता है। अब ध्यान से समझना इसको, देखो इस एग्जांपल को देखो, यहाँ वेरिएबल्स यूज हुए हैं क्या, अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे x और y दो वेरिएबल्स यूज हुए हैं। क्या यहाँ कॉन्स्टेंट्स भी यूज हुए हैं क्या, कॉन्स्टेंट्स भी देखो यहाँ दिख रहे होंगे, यहाँ पे 2 दिख रहा है एक तो, और एक -4 दिख रहा है, और एक यहाँ 5 दिख रहा है। इसके अलावा यहाँ पे मैथमेटिकल साइन यानी कि ऑपरेटर्स भी यूज हुए हैं, तो यहाँ पे देखो साइन भी यूज हुए हैं मैथमेटिक्स के, कौन कौन से देखो, एक माइनस दिख रहा होगा, एक प्लस दिख रहा होगा, क्या आप लोगों को मल्टीप्लाई दिख रहा है, देखो मल्टीप्लाई दिखना चाहिए, ये जो 2x² लिखा हुआ है ना, इसके बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, तो मेरे को मल्टीप्लाई वाला साइन भी दिख रहा है। ऐसे यहाँ 4 और y के बीच में भी क्या है, मल्टीप्लाई।
तो देखो हमने क्या किया, वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स और मैथमेटिकल ऑपरेटर यानी साइन हो गया, इन सबको कंबाइंड करके कहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया। मैं इसको अब मिटा देता हूँ ये वाला पार्ट। तो ये जो चीज़ दिख रही है ना आप लोगों को 2x² - 4y + 5, यही क्या कहलाता है, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। आई होप आप लोगों को इसका मीनिंग समझ में आ गया होगा। तो एलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स, मैथमेटिकल साइंस का जो कॉम्बिनेशन होगा, उस कॉम्बिनेशन को ही हम क्या बोलते हैं, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। ये चीज़ आप लोगों ने 7th क्लास में भी पढ़ी होगी, 8th क्लास में भी ये प्रॉपर डेफिनेशन आती है। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी है तो आप लोग यहाँ से लिख सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आप लोग इसको भी वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना, मैं इसको मिटा रहा हूँ अभी। अब देखो हमने क्या किया, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ लिया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टर्म्स क्या होते हैं। तो टर्म्स किस क्या होते हैं, बेसिकली एलजेब्रिक एक्सप्रेशन के होते हैं। तो इसको मैं पहले एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, फिर इसकी मैं डेफिनेशन लिख दूंगा कि टर्म्स का मीनिंग क्या होता है। तो देखो इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं हम लोग। देखो ये जो एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये बेसिकली 3 पार्ट से मिलके बना, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है AE यानी एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये बेसिकली 3 पार्ट से मिलके बना, एक ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। तो कौन कौन से पार्ट है, एक 2x² ध्यान रखना साइन के साथ लेना है, और एक -4y और एक +5 है, +5 में प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती, 5। ये 3 पार्ट्स है, इन पार्ट्स से मिलके क्या बना हुआ है, ये एलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना है। आई होप आप लोगों को इसका मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब इन्हीं पार्ट्स को क्या बोला जाता है, टर्म्स बोला जाता है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा कि क्या मैं कहना चाहता हूँ, कि किसी भी एलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जो प्लस और माइनस से सेपरेटेड पार्ट है, देखो ये वाला प्लस से, ये मतलब माइनस से सेपरेटेड है, ये प्लस से सेपरेटेड है। तो प्लस और माइनस से सेपरेटेड पार्ट्स विद साइन, ध्यान रखना साइन के साथ लेना है। तो जो पार्ट्स होंगे उन पार्ट्स को ही क्या बोला जाता है, टर्म्स बोला जाता है। तो टर्म्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वेरियस पार्ट्स ऑफ एन एलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच आर सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस साइन। ध्यान रखना प्लस और माइनस साइन से ही सेपरेटेड होने चाहिए। ये 2x², इसको 2 और x स्क्वायर को अलग अलग नहीं बोल सकते हम, ये एक सिंगल टर्म है। प्लस माइनस से सेपरेटेड कौन सा है, ये वाला, और ये विद साइन लेना है, और यहाँ मैंने लिख भी दिया कि विद साइन लेना है हमारे को। तो इसके हम बोल सकते हैं इस एलजेब्रिक एक्सप्रेशन के 3 पार्ट्स है, कौन कौन से, 2x² - 4y + 5। ये पूरा एलजेब्रिक एक्सप्रेशन था, इसके 3 पार्ट्स कौन कौन से हो गए, एक तो हो गया 2x², कोमा दूसरा क्या हो गया -4y, और तीसरा क्या हो गया 5। आई होप आप लोगों को इसका मीनिंग समझ में आ गया होगा। मैं एक और एग्जांपल से समझाता हूँ, 2x³ - 4y - 7y² + 3z - 8। अब जैसे इसके हमें टर्म्स बताने हो, तो प्लस और माइनस से सेपरेटेड कौन कौन से पार्ट्स हैं, एक तो 2x³ हो गया कोमा, एक विद साइन लेना है यानी -7y² हो गया, दूसरा तीसरा कौन सा है, एक 3z हो गया, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं होती है। आप लोग लिख सकते हो यहाँ पे कि किसी भी नंबर के आगे जैसे 2x है तो ये एक्चुअल में प्लस का 2x माना जाता है, तो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। और एक क्या हो गया, माइनस का 8 हो गया। यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ध्यान रखना, विद साइन लेना है, ये बार बार मैं बोल रहा हूँ। आप लोग अगर साइन के साथ नहीं लोगे तो हो सकता है आप लोगों का क्वेश्चन गलत हो जाए। आगे हम लोग बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स पढ़ेंगे, उसमें साइन को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। साइन थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया तो आपकी कैलकुलेशन का जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, बिल्कुल ही अलग निकल के आएगा, यानी कि गलत निकल के आएगा। आई होप आप लोगों को ये सभी टर्मिनोलॉजीज का मीनिंग समझ में आ गया होगा। इनको एक बार नोट कर लीजिए, नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग कुछ टॉपिक्स हो रहे हैं उनको देखते हैं। अब देखिए कुछ हमारे बेसिक टर्मिनोलॉजीज और है उनको हम देखते हैं, जैसे फैक्टर्स क्या होता है, कोफिशियंट क्या होते हैं, लाइक टर्म्स क्या होते हैं, अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं, ध्यान से समझना। देखो तो सबसे पहले है, हमने टर्म्स का मतलब समझ लिया। टर्म्स क्या होते हैं,
किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के वो पार्ट जो प्लस और माइनस से सेपरेटेड होते हैं उनको हम टर्म्स बोलते हैं। अब टर्म्स मेजरली दो टाइप्स के होते हैं, एक लाइक टर्म्स होता है, एक अनलाइक टर्म्स होता है। लाइक टर्म का क्या मतलब होता है, देखो अगर दो टर्म्स, दो या दो से ज्यादा टर्म्स ऐसे हों जिनमें वेरिएबल्स क्या हों, सेम, और इन वेरिएबल्स की जो पावर्स है वो भी क्या हो, सेम हो। अगर दोनों में ये दोनों मतलब दो टर्म्स में वेरिएबल सेम दिखे और पावर सेम दिखे तो ऐसे टर्म्स को हम लाइक टर्म्स बोलते हैं। एग्जांपल से समझते हैं, देखो यहाँ मैंने लिखा है 2x, यहाँ लिखा है -3x। अगर हम बात स्क्वायर मान लेता हूँ इसको, देखो यहाँ अगर वेरिएबल की बात करें इसमें तो इधर वेरिएबल x है, इधर भी क्या है x यूज हुआ है। वेरिएबल की अगर पावर की बात करें, ध्यान रखना वेरिएबल की पावर, तो यहाँ पे x की पावर कितनी है 2, इधर भी x की पावर 2, क्या ये दोनों सेम है क्या? वेरिएबल्स भी सेम आ रहे हैं और उनकी पावर्स भी सेम हो तो ऐसे टर्म्स को हम लोग बोलते हैं लाइक टर्म्स। तो ये जो दोनों टर्म्स हमारे हैं ना ये क्या कहलाएंगे, लाइक टर्म्स कहलाएंगे। आई होप आप लोगों को इसका मीनिंग समझ में आ गया होगा। तो ऐसे टर्म्स को ढूंढो जिसमें क्या हो, वो जिसमें वेरिएबल सेम दिखे और पावर्स भी सेम दिखे, ये दोनों चीज़ें जरूरी है, एक साथ होनी चाहिए। उसके बाद में अनलाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स के तीन केसेज हम सोच सकते हैं। तो देखो हो सकता है वेरिएबल्स क्या हो जाए, सेम हो जाए लेकिन पावर्स क्या हो, डिफरेंट हो। ऐसा केस हो सकता है, एक एग्जाम्पल बनाते हैं हम। देखो वेरिएबल सेम है, पावर डिफरेंट है, जैसे 2x माइनस 3x स्क्वायर। देखो क्या दोनों जगह पे वेरिएबल एक्स एक्स यूज हुआ है, यहाँ भी एक्स है और यहाँ भी एक्स है, लेकिन यहाँ वेरिएबल की पावर 1 है। ये भी आप लोग ध्यान रखना, कहीं भी पावर नहीं गिवन है तो उसकी पावर क्या माननी है, हमें 1 माननी है। जैसे एक्स की पावर कितनी है यहाँ पे, एक्स की पावर 1 है, तो यहाँ पे 1 है पावर, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे वेरिएबल सेम है लेकिन पावर्स क्या है, डिफरेंट है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो ये दोनों के दोनों टर्म्स कैसे होंगे, अनलाइक टर्म्स होंगे। ऐसे ही दूसरा केस आप ये सोच सकते हो कि वेरिएबल्स क्या हो, डिफरेंट हो लेकिन पावर्स क्या हो जाए, सेम हो जाए। इसका भी एग्जांपल देखते हैं। तो वेरिएबल्स क्या हो, डिफरेंट हो, यानी कि 2x स्क्वायर ले लिया और एक -4y स्क्वायर ले लिया। देखो यहां वेरिएबल x है, यहां वेरिएबल y है, यहां पावर 2 है, यहां भी पावर 2 है वेरिएबल की, तो ये वाला केस भी किसका होगा, अनलाइक का होगा। अब ऐसा क्यों पढ़ रहे हैं, अभी यहाँ पे नोट से समझ में आ जाएगा कि हमने ये वाले दोनों टाइप्स क्यों पढ़े हैं, ठीक है। एक तीसरा केस ऐसा हो सकता है कि वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट, सॉरी पावर्स बोथ आर डिफरेंट, दोनों ही क्या हो, अलग अलग हो। फॉर एग्जाम्पल 2x माइनस 3y स्क्वायर। देखो यहाँ वेरिएबल x है, यहाँ आप लोगों को शायद यहाँ दिख नहीं रहा होगा, मैं काम करता हूँ इस एग्जाम्पल को इधर समझा देता हूँ। देखो जैसे 2x ले लिया और माइनस 3y स्क्वायर ले लिया, यहाँ वेरिएबल x है, यहाँ वेरिएबल y है, यहाँ वेरिएबल की पावर 1 है क्योंकि x की पावर कुछ भी नहीं है, यानी 1 है, और यहाँ वेरिएबल की पावर 2 है, दोनों ही डिफरेंट है, तो ये वाला केस भी किसका होगा, अनलाइक का केस होगा। आई होप आप लोगों को ये तीनों डिफरेंट केसेस समझ में आ गए होंगे, तो इनको आप अच्छे से नोट कर लेना। अब ये क्यों पढ़ रहे हैं, देखो अनलाइक टर्म्स लाइक टर्म्स पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ रही है, कभी क्या होगा, हम जब पॉलीनोमियल्स पढ़ रहे होंगे तो हमारे को टर्म्स को ऐड करने की रिक्वायरमेंट होगी, हो सकता है किसी भी जगह पे हमारे को टर्म्स को ऐड करना पड़े या सबट्रैक्ट करना पड़े। तो सबट्रैक्ट और ऐड करने के लिए जो सबसे जरूरी कंडीशन है वो ये है कि टर्म्स क्या होने चाहिए, लाइक होने चाहिए। अगर टर्म्स लाइक नहीं होंगे तो उसको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो मैंने लिख भी दिया है इसको एक बार नोट डाल के कि ओनली लाइक टर्म्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। तुम आप लोग मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो अनलाइक टर्म्स को, लेकिन अगर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है तो उसके लाइक होना जरूरी है। जैसे अगर कहीं पर 2x प्लस 3x लिखा हुआ है, इन दोनों को ऐड करना है तो पहले ये देखना पड़ेगा कि ये लाइक है या अनलाइक। तो यहाँ वेरिएबल एक्स है, इधर भी वेरिएबल एक्स है, यहाँ वेरिएबल की पावर 1 है, यहाँ भी वेरिएबल की पावर 1 है, यानी कि दोनों टर्म्स लाइक है, यानी हम इसको ऐड कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली ऐड करते हैं वैसे ऐड करना है। 2x प्लस 3x कितना होगा, 5x होगा। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ऐसे ही मान लो कि एक सब्ट्रैक्शन का भी करके बता दूँ, 5y स्क्वायर माइनस 7y स्क्वायर करना है,
तो 5 में से 7 माइनस करना है, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है, तो क्या करते हैं, लार्जर नंबर में से स्मॉलर नंबर को सबट्रैक्ट करो, 7 माइनस 5 करोगे कितना आएगा, 2 आएगा। लार्जर नंबर का साइन कितना है, नेगेटिव है, मतलब साइन क्या है, नेगेटिव है, तो ये क्या हो गया, माइनस 2y स्क्वायर। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर हम यहाँ ऐसा करने की कोशिश करें 2x प्लस 3y, तो इनको हम कंबाइंड नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये दोनों के दोनों टर्म्स लाइक है, तो मैं लिख देंगे कि कैन नॉट बी कंबाइंड, इनको कंबाइंड नहीं किया जा सकता। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि जब भी हमारे को एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का या पॉलिनोमियल्स का, तो हमें लाइक टर्म्स देखना पड़ेगा, अगर लाइक टर्म्स है तो हम ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अदरवाइज हम लोग वहीं पे उसको स्टॉप कर देंगे। अब हमारा लाइक टर्म और अनलाइक टर्म्स वाला टॉपिक हो गया फिनिश। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा चलेगा वो है फैक्टर्स, और फैक्टर्स को कैसे समझे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो मैंने पहले डेफिनेशन लिखी है, पहले डेफिनेशन बोलता हूँ, फिर एक एग्जांपल समझाता हूँ, फिर वापस डेफिनेशन समझाता हूँ। तो देखो, ईच कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स विच फॉर्म ए टर्म, यानी कि कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स मिलके जब एक टर्म बनाते हैं तो उसका हर एक कॉम्बिनेशन जो भी बनेगा वो क्या कहलाता है, एक फैक्टर कहलाता है। इसको कैसे समझे, आप देखो, जैसे मैं इसे एग्जाम्पल से लेता हूँ, ये एक सिंगल टर्म है क्योंकि बीच में कोई प्लस माइनस तो है नहीं, 7x एक सिंगल टर्म है, ठीक है। ये टर्म दो चीजों से मिलके बना, एक 7 से और एक x से, यानी कि वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स का एक कॉम्बिनेशन बना, एक 7 और x, इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ, कंबाइंड हुए, कंबाइंड होके क्या बना, ये एक टर्म बना। ये चीज समझ में आ रही है, तो हर एक कॉम्बिनेशन जिससे मिलके एक टर्म बनता है, तो क्या लिखा है, ईच कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स विच फॉर्म ए टर्म, जो एक टर्म के फॉर्मेशन करते हैं। तो यहां पे देखो दो कॉम्बिनेशन ही बन रहे केवल, एक 7 है और एक x है, तो ये जो 7 है और ये x है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फैक्टर्स बोलते हैं। आई होप इसका मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब यहां भी दो चीजें, एक तो x वाला पार्ट है, ये वेरिएबल वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या है, वेरिएबल, और एक 7 है, ये कॉन्स्टेंट वाला पार्ट है। तो जो भी कॉन्स्टेंट वाला पार्ट होता है ना, उसको बोला जाता है न्यूमेरिकल फैक्टर। जैसे मैं इस एग्जांपल में अगर बात करूं तो न्यूमेरिकल फैक्टर या कॉन्स्टेंट फैक्टर कितना है, 7 है। और अगर हम बात करें लिटरल, मतलब जो वेरिएबल वाला पार्ट है, उसको बोला जाता है लिटरल या फिर वेरिएबल फैक्टर। तो इस 7x वाले, उसके अंदर एक्स क्या है, लिटरल फैक्टर है। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी कि फैक्टर का मीनिंग क्या होता है। एक और एग्जाम्पल से करके देखते हैं। तो देखो यहां क्या है, हम दो कॉम्बिनेशन ऐसे बना सकते हैं, माइनस 5 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर वाई, तो एक तो माइनस 5 और एक्स स्क्वायर वाई, ये दोनों के दोनों क्या कहलाएंगे, फैक्टर्स कहलाएंगे, किसके, इसके। ये माइनस 5 वाला पार्ट तो न्यूमेरिकल फैक्टर है, और एक्स स्क्वायर वाई वाला पार्ट क्या है, लिटरल फैक्टर है। आई होप समझ में आ गया होगा। इसको आगे भी आप लोग सोल्व कर सकते हो, जैसे एक्स स्क्वायर वाई है, ये भी क्या हुआ है, किसी ना किसी से मिलकर बना, जैसे ये बना है एक्स स्क्वायर से और वाई से, तो एक्स स्क्वायर और वाई ये दोनों भी इसके क्या कहलाएंगे, फैक्टर्स कहलाएंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई फिर से किससे मिलके बना, एक्स स्क्वायर और वाई से। और एक्स स्क्वायर की भी बात करें तो ये भी एक्स और एक्स से मिलके बना हुआ है, तो एक्स भी इसका एक क्या होगा, फैक्टर होगा। तो हम इस वाले एग्जाम्पल को अगर यहाँ देखें तो जो माइनस 5x स्क्वायर वाई है, तो इसके क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, एक माइनस 5 हो सकता है, एक एक्स हो सकता है, एक वाई हो सकता है, एक एक्स स्क्वायर हो सकता है, एक एक्स स्क्वायर वाई हो सकता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट ऐसे वो है जिनको आपस में किन्हीं दो को कंबाइन करने पे क्या बन जाएगा, दो या दो से ज़्यादा को कंबाइन करने पे हमारे को ये वाला टर्म मिलेगा। यहाँ माइनस का जो 5 है ये कॉन्स्टेंट वाला पार्ट है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, लिटरल फैक्टर, सॉरी कॉन्स्टेंट या न्यूमेरिकल फैक्टर बोलते हैं। और बाकी का जो भी होगा वो हमारा वेरिएबल फैक्टर कहलाएगा, यानी कि लिटरल फैक्टर कहलाएगा। आई होप आप लोगों को इसका मीनिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब एक छोटा सा नोट है, वो भी मैं आप लोगों को समझाता हूँ। देखो जैसे कहीं पर ओनली एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, ये नोट है, स्टार डाल के आप लोग लिख लेना। तो अब इसके अंदर अगर ऐसा पूछ लिया कि बताओ इसका न्यूमेरिकल फैक्टर क्या है, तो यहां कुछ भी नंबर नहीं है तो आप लोग क्या मान सकते हो, 1 मल्टीप्लाई में मान सकते हो। तो इसका जो न्यूमेरिकल फैक्टर होगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, NF न्यूमेरिकल फैक्टर, वो कितना होगा, 1 होगा। और अगर ओनली माइनस एक्स कुछ लिखा हुआ है तो यहां पे माइनस एक्स को, मतलब एक्स तो क्या है, लिटरल फैक्टर हो गया,
माइनस लिखा हुआ है ओनली, तो इस माइनस को क्या मान सकते हो, माइनस वन मल्टीप्लाई एक्स, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस एक्स ही आएगा। तो यहाँ पे जो न्यूमेरिकल फैक्टर है हमारा वो क्या होगा, माइनस वन होगा। आई होप आप लोगों को ये चीज़ याद रहेगी। ये हमारा इसी के साथ फैक्टर वाला पार्ट खत्म हो गया। फैक्टर में दो चीज़ें ध्यान रखनी है। फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, कोई भी टर्म जिन वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स को कंबाइंड करने पे बनता है, तो कंबाइंड होने से पहले जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स थे, जैसे माइनस फाइव एक्स स्क्वायर वाई तो वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स को कंबाइन करने पे बना। इससे पहले क्या था, माइनस फाइव अलग था, एक्स स्क्वायर वाई अलग था। तो माइनस फाइव और एक्स स्क्वायर वाई, ये जो डिफरेंट डिफरेंट थे ना, इन डिफरेंट डिफरेंट को ही क्या बोला जाता है, माइनस फाइव एक्स स्क्वायर वाई का फैक्टर बोला जाता है। ये दोनों पार्ट्स क्या है, फैक्टर्स है। इनको कंबाइन करने पे क्या बना था हमारा, माइनस फाइव एक्स स्क्वायर वाई बना था। ऐसे ही सेवन एक्स में क्या है, सेवन एक्स एक पूरा टर्म है, ये सेवन और एक्स से मिलके बना होता है। तो एक्स और सेवन ये दोनों क्या है, फैक्टर्स है, किसके, सेवन एक्स के। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगला टॉपिक क्या है, कोफिशियंट, वो ध्यान से समझना। एनी फैक्टर ऑफ ए टर्म इज कॉल्ड द कोफिशियंट ऑफ द रिमेनिंग टर्म। अब इसका क्या मतलब है, देखो ये एक टर्म है, इस टर्म के दो फैक्टर्स आप लोगों को दिख रहे होंगे, एक एक्स और एक सेवन, ये दोनों क्या है, फैक्टर्स। तो इसके मैं फैक्टर्स लिख देता हूं, एक फैक्टर है सेवन और एक क्या है, एक्स है। ठीक है, ऐसे यहां भी बात करें इसके बहुत सारे फैक्टर्स है, तो हम लोग एक बात कर, दो फैक्टर्स उठा लेते हैं कोई सा भी। जैसे फैक्टर ले लिया, एक फैक्टर क्या है, एक्स स्क्वायर वाई है, और एक फैक्टर ले लिया मैंने ओनली एक्स स्क्वायर, एक फैक्टर ले लिया मैंने वाई, एक फैक्टर ले लिया मैंने माइनस फाइव वाई। ठीक है, अब देखो माइनस फाइव वाई, ये मैंने अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स ले लिए। अब ध्यान से समझना मैंने क्या बोला, एनी फैक्टर ऑफ ए टर्म, किसी भी टर्म का कोई भी फैक्टर, ये वाला या ये वाला, इज कॉल्ड द कोफिशियंट ऑफ द रिमेनिंग टर्म। इसको ऐसे समझ सकते हो, देखो जैसे यहाँ सेवन है, ये सेवन क्या है, सेवन को छोड़ के बाकी क्या बच गया, एक्स। तो ये सेवन क्या कहलाएगा, कोफिशियंट ऑफ एक्स कहलाएगा। मतलब कि कोई भी फैक्टर बाकी के पार्ट का, रिमेनिंग जो पार्ट बच गया उसका क्या कहलाता है, कोफिशियंट। तो ये सेवन कोफिशियंट ऑफ एक्स है, और एक्स क्या है, कोफिशियंट ऑफ सेवन है। यहां देखो ये बहुत सारे फैक्टर्स है, तो ये वाला जो फैक्टर है ना एक्स स्क्वायर वाई, रिमेनिंग पार्ट का, रिमेनिंग पार्ट कौन सा बच गया, माइनस फाइव। तो ये एक्स स्क्वायर वाई क्या कहलाता है, कोफिशियंट ऑफ माइनस फाइव। ऐसे ही एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को छोड़ के रिमेनिंग क्या बचा, माइनस का फाइव बचा और वाई बचा। तो एक्स स्क्वायर किसका कोफिशियंट कहलाएगा, कोफिशियंट ऑफ माइनस फाइव वाई। ऐसे ही वाई, तो वाई को छोड़ के क्या बच गया, माइनस फाइव एक्स स्क्वायर। तो वाई क्या कहलाएगा, कोफिशियंट ऑफ, y को छोड़ के क्या बचा, माइनस फाइव और एक्स स्क्वायर, माइनस फाइव एक्स स्क्वायर। या उल्टा लिख सकते हो आप लोग, इस वाले पार्ट को यहां लिख लो, तो पूछे कि कोफिशियंट ऑफ माइनस फाइव एक्स स्क्वायर बचाओ, बताओ। तो माइनस फाइव एक्स स्क्वायर को छोड़कर जो भी रिमेनिंग पार्ट बच गया हमारा, किसका, टर्म का, वो रिमेनिंग पार्ट ही क्या कहलाएगा, कोफिशियंट कहलाएगा। जैसे यहाँ पे माइनस फाइव वाई है, माइनस फाइव वाई का कोफिशियंट, तो माइनस फाइव और y को छोड़ो, बाकी क्या बचा, एक्स स्क्वायर बचा। तो जो इसका कोफिशियंट क्या हो जाएगा, माइनस फाइव वाई का, मतलब माइनस फाइव किसका कोफिशियंट है, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इसी से मैं एक और क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेता हूं। तो देखो जैसे अगर हमें बताना है कोफिशियंट ऑफ फाइव एक्स स्क्वायर वाई, फाइव एक्स स्क्वायर वाई का कोफिशियंट बताना है, तो क्या होगा इसका मतलब कि फाइव एक्स स्क्वायर वाई एक फैक्टर था, इसको छोड़कर जो कुछ बच गया, तो इसको छोड़ के आप लोगों को केवल माइनस दिख रहा होगा, तो माइनस तो कोई नंबर नहीं है ना, तो इसको हम क्या लिख देंगे, माइनस वन। तो फाइव एक्स स्क्वायर वाई को छोड़ के जो रिमेनिंग पार्ट बचा, जो ओनली माइनस दिख रहा है, लेकिन ये एक्चुअल में माइनस वन माना जा सकता है, तो माइनस वन क्या कहलाएगा, इस वाले फैक्टर का कोफिशियंट कहलाएगा। आई होप आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं कोफिशियंट के कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ आप लोगों को, जिससे ये आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसे वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। अब हम अभी तक हमने जो पढ़ा उसके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है उसको देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है,
राइट द कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस गिवन है, इन सब में हमें केवल किसका कोफिशियंट फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट का क्या मतलब हुआ कि जहाँ भी एक्स स्क्वायर है उसके साथ में जो कुछ आ रहा है वो उसका कोफिशियंट है, ठीक है, उसको छोड़ के जो भी बच गया वो कोफिशियंट है। तो देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर वाला टर्म ये रहा, तो एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है प्लस सेवन, तो यहाँ क्या हो जाएगा कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया इस वाले केस में सेवन। अब यहाँ देखो यहाँ तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है ही नहीं, तो जब एक्स स्क्वायर वाला टर्म है ही नहीं तो हम इसका कोफिशियंट कैसे माने। तो हम एक काम करते हैं, इसको यहाँ अगर मान लें कि जीरो मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, एक्स स्क्वायर को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा जीरो ही आएगा, मतलब ये वाला टर्म वापस से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा खत्म हो जाएगा। तो अगर कोई टर्म नहीं है जैसे एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है तो उसका कोफिशियंट हमेशा कितना मानना है जीरो मानना है। तो यहाँ इस वाले केस में जो कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा वो कितना होगा जीरो होगा। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ऐसे यहाँ देखो, अब यहाँ एक्स स्क्वायर दो जगह है, एक यहाँ भी है और एक इधर भी है, तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं दोनों को एक साथ लिखते हैं हम लोग। तो पाई अपॉन सिक्स एक्स स्क्वायर इस प्लस फोर एक्स स्क्वायर को इधर लिख देता हूँ और माइनस थ्री एक्स को क्या लिख देता हूँ उधर लिख देता हूँ, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब इन दोनों में देखो एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो उस एक्स स्क्वायर को मैंने बाहर निकाल लिया, इधर की तरफ लिख देता हूँ, इधर क्या बचा, इधर तो बचा पाई बाय सिक्स यानी पाई अपॉन सिक्स बचा, बीच में प्लस है तो प्लस, और इधर क्या बचा फोर बचा। तो अब एक्स स्क्वायर ये दोनों के बाहर आ गया, देखो वापस से मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा ये, और ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा पाई अपॉन सिक्स एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा, फिर ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा फोर एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा, और उसके बाद में माइनस का थ्री एक्स, तो ऐसे कैसे चल रहा है। तो अब हमारे को देखना है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है, तो यहाँ क्या होगा कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो कितना हो जाएगा पाई अपॉन सिक्स प्लस फोर, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ में जो कुछ भी है वो कोफिशियंट होगा। आई होप आप लोगों को ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखो यहाँ भी एक्स स्क्वायर वाला टर्म है ही नहीं, तो हम क्या मान सकते हैं जीरो एक्स स्क्वायर मान सकते हैं जीरो मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी क्या होगा कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा। अब यहाँ देखो क्या है, यहाँ डायरेक्ट हमारे को होल स्क्वायर दे दिया, तो पहले इसको सोल्व करना पड़ेगा, उसके बाद में लास्ट स्टेज में जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट आ रहा होगा वो हमारा क्या होगा कोफिशियंट होगा। तो देखो आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ लिख देता हूँ मैं, a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो यही आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज करते हैं। अगर आप लोगों को नहीं आती है तो हम लोग क्या करेंगे, कोई बात नहीं है, आप लोगों को इस वाले सीरीज के अंदर पॉलिनोमियल चैप्टर के अंदर लास्ट में हम लोग एलजेब्रिक आइडेंटिटीज को भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी के लिए आप लोगों को ये याद रखनी पड़ेगी क्योंकि आप लोग एट्थ में भी पढ़ चुके हो सेवन्थ में भी पढ़ चुके हो, तो अभी हम नाइन्थ स्टार्ट कर चुके हैं तो नाइन्थ में ये बार बार यूज हो सकती है। तो आप लोगों के यहाँ तो इस चैप्टर में तो ये सबसे एंड में आएगी, लेकिन बीच में कभी यूज होगी तो आप लोगों को यूज करनी आनी चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो आप लोग इसको साथ के साथ यहाँ से नोट भी कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे ए की जगह पे कितना थ्री एक्स, बी की जगह पे कितना टू, तो सबसे पहला काम क्या होगा थ्री एक्स का स्क्वायर होगा प्लस फिर टू का स्क्वायर होगा फिर माइनस टू, ए की जगह पे थ्री एक्स आएगा, बी की जगह पे क्या आएगा टू। कंपेयर करके देखो यहाँ पे ये हमारा ए का काम कर रहा है और ये हमारे लिए बी का काम कर रहा है, ठीक है। थ्री एक्स का स्क्वायर, इसमें थ्री का स्क्वायर करेंगे तो नाइन होगा और एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा। फिर यहाँ देखो प्लस टू का स्क्वायर कितना होता है फोर, यहाँ देखो टू टू जा फोर, फोर थ्री जा ट्वेल्व, तो ये माइनस का ट्वेल्व और एक्स ऐसे कैसे चल रहे हैं। हमें तो क्या करना था एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट बताना था, तो एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट क्या होगा यहाँ पे नाइन होगा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल नाइन। आई होप आप लोगों को ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। अब यहाँ देखो, अब यहाँ पे दो ब्रैकेट्स अलग अलग गिवन है, दोनों में प्लस के फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे टू है पावर, ठीक है, तो इनको पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस वाले ब्रैकेट को इस वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर लास्ट में देखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या हो रहा है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले हमारे को इस टू को दोनों से मल्टीप्लाई करना है, इससे भी और इससे भी विद साइन, ध्यान रखना
इसको भी इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको भी इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर लास्ट में देखते हैं क्या आएगा। फिर 2 को 2x स्क्वायर से करेंगे तो 2x स्क्वायर, ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 5 है, मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 10 आएगा, 2 5 10, प्लस माइनस माइनस। फिर इसको इससे करेंगे तो ये माइनस है, ये प्लस का है, जिसके आगे कुछ नहीं होता वो प्लस का होता है, तो ये किसका आएगा, माइनस का। 2x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर और मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स पावर 4। तो देखो यहाँ क्या होगा, ये माइनस का था, ये प्लस का था, तो माइनस का आएगा 3। एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स पावर 4। और फिर इसको इससे करेंगे तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो क्या हो जाएगा, प्लस। 3 को 5 से करेंगे 15, और एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे। अब एक्स स्क्वायर देखो दो जगह, एक यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इन दोनों को हम सिंपली ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लाइक टर्म्स को ऐड किया जा सकता है। देखो यहाँ भी वेरिएबल x है, यहाँ भी वेरिएबल x है, यहाँ भी वेरिएबल की पावर 2 है, यहाँ भी वेरिएबल की पावर 2 है, तो ये दोनों लाइक टर्म्स है, इनको ऐड किया जा सकता है। तो इन जब दोनों को जब ऐड करेंगे तो 2x² और 15x² कितना हो जाएगा, 17x² माइनस 10 माइनस 3x⁴। ऐसे कैसे चल रहा है, हमें बाकी से कोई मतलब नहीं है, हमारे को तो x² का कोफिशियंट चाहिए, तो कितना आएगा, 17 आएगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे, कोफिशियंट ऑफ x² इजिक्वल कितना आया, 17। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। सिमिलर ऐसे क्वेश्चन ये रहे, देखो पहले x को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भी और इससे, x को 1 से करेंगे तो x आएगा, फिर x को माइनस 2x से करेंगे, ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस आएगा, ये x है ये 2x है, तो ये 2 और x कितना हो जाएगा, 2x² फिर 1 को इससे करेंगे, माइनस प्लस माइनस, 1 को 1 से करेंगे तो 1 आएगा, फिर इसको इससे करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 1 को 2x से करेंगे तो 2x आएगा। अब देखो यहाँ x और 2x ये दोनों कंबाइंड हो सकते हैं, तो यहाँ तो माइनस का 2x² ऐसे कैसे बचा, x इसके आगे 1x मान सकते हो, तो 1x और 2x कितना हो गया, प्लस करने पे 3x और माइनस 1 आ गया, लेकिन हमें तो x² का कोफिशियंट चाहिए, तो x² का कोफिशियंट कितना होगा, माइनस का 2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोफिशियंट ऑफ x² इज इक्वल कितना आएगा, माइनस 2। आई होप ये भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए लास्ट, अब यहाँ देखो एक चीज दिख रही होगी, यहाँ a माइनस बी और a प्लस बी, मतलब इस टाइप का है कि जैसा ये है वैसा ये है, बस बीच में माइनस की जगह पे प्लस आ गया, तो इसके लिए भी एक आइडेंटिटी होती है, ये भी आप लोगों ने पढ़ी होगी, कहीं अगर a माइनस बी और a प्लस बी गिवन हो तो इसको डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, a² माइनस b² लिख सकते हैं, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हो अभी के लिए। तो यहाँ क्या होगा, डायरेक्ट हम बोल सकते हैं 2x² माइनस 1 का स्क्वायर, 2x² में 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, x का करेंगे x² होगा, माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ हमारे को क्या पूछा था, कोफिशियंट ऑफ x², तो कोफिशियंट ऑफ x² क्या होगा, x² के साथ क्या है, 4 है, तो ये कितना आ जाएगा, 4। आई होप आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी, इसको भी आप नोट कर लीजिए। अब हम पढ़ेंगे वापस से पॉलीनोमियल का मीनिंग समझेंगे, डेफिनेशन बनाने की कोशिश करेंगे, तो इसे आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं कि पॉलीनोमियल का बेसिक मीनिंग क्या होता है। अभी तक हमने केवल बेसिक सीखे हैं जो कि हमने 6th, 7th, 8th क्लास में पढ़े थे। अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो है पॉलीनोमियल, जो चैप्टर का नाम भी था, उसका क्या मीनिंग होता है, उसकी क्या डेफिनेशन होगी, वो समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखी है, डेफिनेशन लिखने से पहले मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल्स लिखे हैं, इन दोनों एग्जांपल्स को पहले समझते हैं और उसके बाद में इस डेफिनेशन को समझेंगे। तो देखिए यहाँ मैंने 2 एग्जांपल्स लिखे हैं, 2x² माइनस 4x + 7, यहाँ है 3x² माइनस 3√x√x + 1, ठीक है। अब यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले तो वेरिएबल्स देख रहा हूँ कि वेरिएबल कौन कौन से हैं, और फिर वेरिएबल्स की पावर देख रहा हूँ कि पावर क्या क्या होगी। तो देखिए यहाँ अगर बात करें तो वेरिएबल क्या है, x है, इधर भी वेरिएबल क्या है, x है, v मतलब वेरिएबल, ध्यान रखना, इधर वेरिएबल कुछ भी नहीं है तो उसकी जगह मैंने क्या कर दिया, क्रॉस। अब अगर हम बात करें पावर, पावर या एक्सपोनेंट भी बोल सकते हो, यहाँ वेरिएबल की पावर 2 है, यहाँ क्या है वेरिएबल की पावर, यहाँ 1 मान सकते हो, ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितनी है, 1 है, यहाँ वेरिएबल था ही नहीं, तो मान लो कि ये वेरिएबल की पावर कितनी रही होगी, 0, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उसका मतलब 1 होता है, तो 7 × 1 करेंगे तो कितना आएगा, 7 ही आएगा, तो जहाँ वेरिएबल है ही नहीं तो उसकी पावर कितनी है, 0। ऐसे ही हम यहाँ भी क्या करते हैं, वेरिएबल्स लिखते हैं, वेरिएबल्स के पावर लिखते हैं, तो इधर वेरिएबल क्या है, x है, इधर वेरिएबल x है, इधर कोई भी वेरिएबल नहीं है,
यहाँ वेरिएबल की जो पावर होगी वो 2 होगी। यहाँ देखो, आप लोगों ने पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर में कि वेरिएबल की जो पावर है जब रूट हो तो इसका मतलब किसी भी नंबर का रूट हो इसका मतलब वेरिएबल की पावर कितनी होती है 1/2। तो यहाँ पे पावर कितनी है 1/2 है और यहाँ कोई पावर है ही नहीं तो कितनी हो गई, मतलब कोई वेरिएबल नहीं है तो पावर कितनी हो गई 0 हो गई। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी कि मैंने क्या किया है। मैंने सिंपली क्या किया, वेरिएबल लिखा है और वेरिएबल्स की पावर लिखी है। अब देखिए, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए क्या ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन दोनों के दोनों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे क्या? भाई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होने के लिए जो कंडीशन रिक्वायरमेंट है वो क्या है? वेरिएबल्स होने चाहिए, कॉन्स्टेंट्स होने चाहिए और प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वाले सिंबल्स होने चाहिए, यानी साइन होने चाहिए, ऑपरेटर्स होने चाहिए। क्या इसमें है? दिख रहे हैं, देखो वेरिएबल्स भी है, कॉन्स्टेंट्स भी है, 2, -4, 7। इधर भी वेरिएबल्स है, एक्स है, कॉन्स्टेंट 3, -3, 1। यानी कि वेरिएबल और कॉन्स्टेंट दोनों जगह, मतलब ये दोनों के दोनों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो समझो। यहां जो भी वेरिएबल्स है ना, ऑल वेरिएबल्स बोल सकता हूं मैं, या बोल सकते ईच वेरिएबल, यहां जो ईच वेरिएबल होगा ना उसकी जो पावर है वो पावर आप लोगों को होल नंबर दिख रही होगी। होल नंबर क्या होता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, इन्हीं में से कुछ दिख रही होगी। लेकिन यहां जो ईच वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो नोट ए होल नंबर, एक होल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी होल नंबर है, इसकी होल नंबर है, लेकिन इसकी नहीं है, तो नोट ए होल नंबर। अब मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो समझो। देखो कि इस वाले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में सभी वेरिएबल्स की यानी ईच वेरिएबल की पावर एक होल नंबर है, क्योंकि 0, 1, 2, 3, 4 इन्हीं में से कोई है। यहां ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है लेकिन यहां सभी वेरिएबल्स की पावर होल नंबर नहीं है। ध्यान रखना है, सभी वेरिएबल्स की पावर होनी चाहिए, किसी एक की नहीं चलेगी। तो अब हम आते हैं पॉलिनोमियल का मीनिंग समझते हैं, फिर देखते हैं कि इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल कहलाएगा कौन सा नहीं होगा। तो देखो, ए पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। कोई भी पॉलिनोमियल एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, जैसे ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इन विच ईच वेरिएबल इन्वॉल्व, जो भी वेरिएबल इसमें इन्वॉल्व होगा ना, जैसे यहाँ पे एक्स है, यहाँ एक्स है, हो सकता है कोई वाई होता है या अदर वेरिएबल होता, ठीक है, तो एक से ज़्यादा वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। तो अभी मैंने एक्स वाला, एक ही वेरिएबल वाला एग्जाम्पल उठाया, जिसमें क्या होगा, ईच वेरिएबल इन्वॉल्व हैज पावर ए होल नंबर, यानी जो कोई भी वेरिएबल है उनकी पावर एक होल नंबर होनी चाहिए, जिसको हम नॉन नेगेटिव इंटीजर भी बोल सकते हैं। होल नंबर मतलब जो नेगेटिव में नहीं होगा। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कौन कौन से हो गए? 0, 1, 2, 3, 4, ये नेगेटिव नहीं होते, जिसको हम क्या बोलते हैं? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ये सब चीज़ें हम लोग लेक्चर 1 में पढ़ चुके हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने उनके मतलब चैप्टर 1 के लेक्चर्स में हम देख चुके हैं, अगर उन लेक्चर्स को आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले उन लेक्चर्स को जाके देखिए, उसके बाद में इसको देखना स्टार्ट कर सकते हो। या आप लोग ये भी करोगे तो अभी के लिए याद रख लो कि जो होल नंबर्स होते हैं उनको नॉन नेगेटिव इंटीजर्स भी बोला जाता है, जो नेगेटिव नहीं होते। तो क्या यहाँ इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में सभी वेरिएबल्स की पावर होल नंबर है क्या? देखो, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 0। क्या इस कंडीशन को ये वाला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सेटिस्फाई कर रहा है क्या? तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि सभी वेरिएबल्स की पावर, जो भी वेरिएबल्स इसमें इन्वॉल्व है उनकी पावर आप लोगों को होल नंबर दिख रही होगी। तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने यहां लिखा है ये क्या होगा? एक पॉलिनोमियल होगा। आई होप इसका मीनिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहां क्या है, क्या सभी वेरिएबल्स की पावर होल नंबर है क्या? मतलब पॉलिनोमियल की जो कंडीशन है कि सभी वेरिएबल्स की पावर, जो भी वेरिएबल्स इसमें इन्वॉल्व है वो होल नंबर होनी चाहिए या नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, वो इसमें सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो हम बोलेंगे ये क्या है? नोट ए पॉलिनोमियल। इसको क्या बोल देंगे? नोट ए पॉलिनोमियल। आई होप आप लोगों को पॉलिनोमियल का मीनिंग समझ में आ गया होगा। तो यहाँ क्या ये पॉलिनोमियल है? तो है, देखो यहाँ पे वेरिएबल एक्स है, यहाँ वेरिएबल एक्स है, यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ 0 है। तो यहाँ पे सभी की पावर क्या दिख रही है आप लोगों को? होल नंबर दिख रही होगी। मैंने यही एग्जांपल यहाँ लिखा है, होल नंबर दिख रही है। तो जब पावर होल नंबर होती है तो हम बोलेंगे कि ये वाला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल होगा। आई होप आप लोगों को पॉलिनोमियल का मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब देखो,
ये पॉलिनोमियल देखो बार बार मुझे क्या करना पड़ रहा है, 2x² - 4x + 7 एक पॉलिनोमियल है, माइनस 2x² - 4x + 7 एक पॉलिनोमियल है, ये बार बार बोलना पड़ रहा है। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसको एक सॉर्ट में लिखने का तरीका बना दिया। तो जैसे इस पॉलिनोमियल में क्या है, वेरिएबल क्या यूज हुआ है, इसमें वेरिएबल x है, तो वेरिएबल क्या है x है। तो इस पॉलिनोमियल को लिखने का एक तरीका होता है जिसको ऐसे लिख देते हैं, जैसे पी एक्स, आप चाहो तो पी एक्स की जगह पे अदर वर्ड्स भी यूज कर सकते हो, जैसे एफ एक्स यूज कर लो, जी एक्स यूज कर सकते हो, या फिर क्यू एक्स यूज कर सकते हो, एच एक्स बोल सकते हो, आर एक्स बोल सकते हो। तो ये सब क्या कहलाएंगे, पॉलिनोमियल इन एक्स, एक्स वेरिएबल में पॉलिनोमियल कहलाते हैं। आई होप आप लोगों को ये मीनिंग समझ में आ गया होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो है एलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये क्या है, पॉलिनोमियल है, किसमें, एक्स वेरिएबल में। तो इसको हम क्या बोल देंगे, पॉलिनोमियल इन एक्स। तो हम बार बार अब ये नहीं बोलेंगे, हम इसकी जगह पी एक्स बोल देंगे। अब आप चाहो तो, जरूरी नहीं है हर बार वेरिएबल एक्स ही हो, जैसे ऐसा हो सकता है, जैसे यहाँ क्या है y² - 2y + 1 दे दिया, तो ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है, जैसे एफ वाई नाम दे दोगे इसको, तो एफ वाई ये पॉलिनोमियल है इन वाई, इसको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल इन वाई। आई होप आप लोगों को इसका मीनिंग समझ में आ गया होगा कि पॉलिनोमियल को लिखा कैसे जाता है। अब इसके ऊपर मैंने यहाँ चार क्वेश्चंस लिखे हैं, कुछ क्वेश्चंस और हैं जिसको हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे, इन चारों क्वेश्चंस को देखते हैं। तो क्या है, देखो, आइडेंटिफाई पॉलिनोमियल्स इन द फॉलोइंग, पॉलिनोमियल्स को आइडेंटिफाई करना है, कौन सा पॉलिनोमियल है कौन सा नहीं है। तो आप लोगों को पॉलिनोमियल को आइडेंटिफाई करने के लिए उसकी कंडीशन पता होनी चाहिए, आप लोगों को सभी वेरिएबल्स की पावर्स देखनी है। अगर सभी वेरिएबल्स की पावर क्या आती है, होल नंबर आती है, तो हम बोल देंगे कि वो वाला वेरिएबल क्या, मतलब वो वाला एलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा, एक पॉलिनोमियल कहलाएगा, अदरवाइज वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो देखिए, यहाँ वेरिएबल एक्स है, यहाँ वेरिएबल एक्स है, यहाँ भी वेरिएबल एक्स है, यहाँ पे वेरिएबल कुछ भी नहीं है, यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है और यहाँ पावर 0 है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पावर्स लिख रहा हूँ ओनली मैं, यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ 0 है। क्या सभी वेरिएबल्स की पावर होल नंबर दिख रही है, 0, 1, 2, 3, 4 इन्हीं में से कुछ दिख रही है, तो हम बोलेंगे, मैं यहाँ पे ओनली राइट टिक कर देता हूँ कि ये पॉलिनोमियल होगा। क्यों, क्योंकि सभी वेरिएबल्स की पावर क्या है, होल नंबर है। यहाँ देखो, यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ रूट आ गया, और रूट का मतलब पावर कितनी होती है, 1/2, और यहाँ वेरिएबल है ही नहीं, तो पावर 0। क्या सभी वेरिएबल की पावर होल नंबर आ रही है, देखो इसकी पावर नहीं आ रही, सभी वेरिएबल की होनी चाहिए, कोई एक भी अगर नहीं हो रहा तो मतलब उसको हम बोलेंगे कि वो पॉलिनोमियल नहीं है, तो ये भी ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब यहाँ देखो, x की पावर, यहाँ पे पावर कितनी है, 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे वेरिएबल है ही नहीं, तो पावर कितनी होगी, 0। क्या ये भी होल नंबर्स में से आ रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल होगा। अब यहाँ देखो, यहाँ पावर कितनी है, 2, यहाँ पावर कितनी है, 1, लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर में आ गया, तो आप लोगों ने ये पढ़ा होगा एक्सपोनेंट वाले रूल, कि अगर 1/x कहीं पे गिवन है, तो यहाँ पे ऊपर जाके x की पावर कितनी हो जाएगी, -1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की पावर -1 है, और यहाँ कितनी है, वेरिएबल है नहीं, तो 0 है। तो क्या ये सभी जो वो है पावर्स आई है, वो सारी की सारी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है क्या, यानी होल नंबर है क्या, देखो ये तो नेगेटिव इंटीजर आ गया, आना क्या चाहिए था, नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो हम बोल देंगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल के ऊपर आइडेंटिफाई करने के कुछ क्वेश्चंस और हैं, उसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिख करवाता हूँ, आप लोग इसको क्या करो, वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट कर लीजिए। तो देखिए, पॉलिनोमियल्स को आइडेंटिफाई करने के कुछ क्वेश्चंस मैंने और लिखे हैं, इनको भी हम देख लेते हैं, इसी के साथ फिर हमारा आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा। तो देखिए, वही है कंडीशन, आप लोगों को पता होनी चाहिए कंडीशन क्या है, कि हमारे को सभी वेरिएबल्स की पावर को देखना है, अगर सभी वेरिएबल्स की पावर होल नंबर है, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5 इनमें से कुछ आ रही है, तो हम बोलेंगे कि वो पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो देखिए, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 4 दिख रही होगी, यहाँ पे पावर डायरेक्टली आप लोगों को दिख रही होगी 3/2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ वेरिएबल नहीं है, तो पावर क्या होगी, 0 होगी। तो क्या यहाँ पे सभी वेरिएबल्स की पावर होल नंबर आ रही है, नहीं आ रही है, तो हम बोलेंगे ये वाला 5th वाला पॉलिनोमियल नहीं होगा, यहाँ पे क्रॉस कर रहा हूँ मैं। अब बात करते हैं 6th में, तो देखो यहाँ पे नीचे x आ गया, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -1 होगा, तो यहाँ पे एक वेरिएबल है ही नहीं, तो 0 होगी पावर, यहाँ पे पावर -1 हो जाएगी, यहाँ पावर कितनी होगी, 1 होगी, सभी वेरिएबल्स की पावर होल नंबर नहीं आ रही, ये तो नॉन नेगेटिव इंटीजर है ही नहीं, ये तो नेगेटिव इंटीजर है, तो हम बोलेंगे ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब यहाँ देखिए, इसमें क्या है, आप लोग अगर डायरेक्ट देखोगे तो आप लोगों को लगेगा 3/2 है, मतलब कि पावर क्या है,
फ्रैक्शन में आ रही है या फिर होल नंबर में नहीं आ रही है, तो आप लोग डायरेक्ट देखते ही इसको बोलोगे कि ये होल नंबर मतलब ये पॉलीनोमियल नहीं है। लेकिन इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, उसके बाद में आप लोगों को पता चलेगा कि ये तो पॉलीनोमियल है। देखना यहाँ क्या है, देखो 2x^3/2, फिर नीचे x की पावर कितनी हो जाएगी 1/2, क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2 होता है, प्लस एक्स स्क्वायर साथ में चली रहा है। फिर आप लोगों ने एक ये रूल पढ़ा हुआ होगा कि अगर कहीं पे a पावर m गिवन हो, नीचे डिनोमिनेटर में a पावर n गिवन हो, दोनों के बेस सेम है, a और a बेस कहलाता है, तो पावर्स आपस में क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। और अगर यही नियम अगर मल्टीप्लाई में गिवन होते ये दोनों और बेस सेम होते तो पावर्स क्या हो जाती थी, एड। तो इस वाले पार्ट को देखो, क्या यहाँ ऐसा ही बन रहा है क्या भाई, x पावर 3/2 यानी x पावर m, x पावर 1/2 यानी a पावर n, मतलब यहाँ पे a पावर m और a पावर n, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो क्या बनेगा 2x पावर 3/2 माइनस 1/2 प्लस x पावर 2। यहाँ क्या बनेगा 2, देखो x पावर 3/2 माइनस 1/2 करोगे तो पहले दोनों का एलसीएम ले लो, 2 आएगा ऊपर, कितना हो जाएगा 3-1 प्लस एक्स पावर 2। यहाँ क्या बनेगा 2x, 3-1 कितना होगा 2, 2/2 कितना हो जाएगा 1, मैं पहले लिख देता हूँ 2/2 होगा, जिसको आगे सिंप्लीफाई करने पे 1 आ जाएगा, और प्लस में एक्स स्क्वायर चल ही रहा है, तो लास्ट में क्या बना 2x, एक्स पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको देखो, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, पावर होल नंबर दिख रही होगी आप लोगों को, और जब पावर होल नंबर होती है तो हम बोलेंगे कि ये वाला जो भी एक्सप्रेशन है एलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये पॉलीनोमियल होगा। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो डायरेक्ट देखते ही नहीं बोल देना कि ये है या नहीं है, अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो रहा है तो उसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब यहाँ देखो, यहाँ डिनोमिनेटर में एक्स माइनस वन है या एक्स प्लस वन है, इसको हम ऊपर नहीं ले जा सकते, तो जब कभी भी ऐसे सिचुएशन आए ना, तो ये एक्चुअल में पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है, देखो ये पी बाई क्यू की फॉर्म में है, इसको हम आगे सोल्व भी नहीं कर पा रहे, तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं रैशनल फंक्शंस। क्या बोलते हैं, रैशनल, रैशनल का मतलब पी बाई क्यू की फॉर्म में है, और रैशनल फंक्शंस बोलते हैं, और रैशनल फंक्शंस कभी भी पॉलीनोमियल नहीं होते, ये आप लोगों को अभी के लिए याद रखना है। 11th क्लास में जाके अगर आप लोग साइंस मैथमेटिक्स लेते हो तो वहाँ पे और अच्छे से इसको समझने के लिए आप लोगों को अलग से टॉपिक आएगा जिसमें आप डिटेल में इसको समझोगे। अभी के लिए बस ध्यान रखना रैशनल फंक्शंस है, रैशनल फंक्शंस पॉलीनोमियल नहीं होते। अब लास्ट वाला देखो, लास्ट वाले में भी आप डायरेक्ट देखते ही सोच सकते हो कि नीचे एक्स है, ये ऊपर जाके माइनस वन होगा, लेकिन यहाँ क्या है, ये जो नीचे डिनोमिनेटर में एक्स है ना, वो इसके भी डिवाइड में भी आएगा, इसके भी डिवाइड में आएगा, इसके भी डिवाइड में आएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 3x^4 / x, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि जनरली क्या हुआ होगा कि एलसीएम लिया होगा तो ऐसा आया होगा, एलसीएम में वापस हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो देखो यहाँ एक एक्स डिवाइड हो गया, एक एक्स बच गया, यहाँ एक्स से एक्स वन टाइम डिवाइड हो गया, यहाँ पे एक एक्स डिवाइड हो गया, 3x बच गए, तो 3x³। यहाँ पे पावर कितनी है, 1 है, यहाँ पावर 0 है क्योंकि वेरिएबल है ही नहीं, और यहाँ पावर कितनी है, 3 है। क्या सभी की पावर होल नंबर है, तो हम बोलेंगे ये भी क्या होगा, एक पॉलीनोमियल होगा। आई होप आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी, इसे आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। इसी के साथ आज का लेक्चर हमारा ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही है, अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आने वाले लेक्चर में हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोगों के सभी डाउट्स क्या कर दिए जाए, क्लियर कर दिए जाए। इसके साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, इसके साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल्स को पढ़ेंगे और वेरियस टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल्स को भी पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू।